तो दोस्तों Xiaomi ने बजट रेंज में Redmi 9 लॉन्च कर दिया है। प्राइस रखी है 4 GB 64 GB वाले वेरिएंट की 9,000 रुपए। 1,000 रुपए और ज्यादा देने पे सेम वेरिएंट Redmi 9 प्राइम का आ जाता है। और दोनों ही फोन 31 अगस्त को आप 12 बजे Amazon से खरीद सकते हैं। तो क्या 1,000 रुपए ज्यादा आपको देने चाहिए Redmi 9 प्राइम के लिए, या फिर 9,000 में Redmi 9 आपको लेना चाहिए? तो Redmi 9 अनबॉक्सिंग के साथ साथ ये भी आपको मैं क्लियर बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले Redmi 9 के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं Redmi 9 के अनबॉक्सिंग से। इसके बॉक्स में आपको मिलते हैं सिम इजेक्टर पिन, 10 वाट का चार्जर, माइक्रो यूएसबी केबल और एक फोन Redmi 9। तो फोन को आप देख सकते हैं, दिख रहे हैं फोन काफी प्रीमियम लग रहा है। हालांकि प्लास्टिक की बॉडी है, लेकिन फिर भी फोन काफी अच्छा दिख रहा है। और ये 3 कलर में आपको देखने को मिलेगा, ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक। तीनों ही कलर काफी अच्छे लग रहे हैं। तो प्लास्टिक की बॉडी होते हुए फोन काफी प्रीमियम लग रहा है। और आप कैमरे का डिजाइन वगैरह देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छा है। एलईडी लाइट है। और जो 3 कैमरे आप देख रहे हैं, वो 3 कैमरे नहीं है, एक डमी कैमरा है, तो 2 ही कैमरे है। तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, फोन काफी अच्छा दिखता है। डिस्प्ले में 6.5 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले दिया है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दिया है, बाकी क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है, दोनों ठीक से काम करते हैं। ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी है, यानी आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और दोस्तों अभी कैमरे की बात करें तो पीछे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो मेरे हिसाब से फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा जरूर से देना चाहिए, बाकी कैमरे से पिक्चर वगैरह आप लेते हैं तो ठीक ठाक आ जाती है। अभी परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियाटेक का जो G35 का प्रोसेसर है। तो गेमिंग वगैरह आप ज्यादा यूज करते हो, बहुत हैवी गेमिंग जैसे पबजी वगैरह आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो या पबजी जैसे गेम थोड़ा बहुत ही यूज करते हो, तो आपका काम चल जाएगा। तो G35 प्रोसेसर गेमिंग के मामले में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। और बैटरी में 5000 mAh की बैटरी और 10 वाट का चार्जर है। फास्ट चार्जर को फोन सपोर्ट नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसा फोन आपको देखने को मिलता है Redmi 9 9,000 की प्राइस में। और अभी बात करते हैं, क्या 1,000 रुपए ज्यादा लगा कि आपको Redmi 9 प्राइम लेना चाहिए या नहीं? तो जरूर आपको Redmi 9 प्राइम ही लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत कुछ बेटर मिल जाता है। आपका फोन 2-3 साल तक आप चलाते तो भी आपका चलेगा आराम से, पुराना नहीं होगा, क्योंकि वहां सब कुछ बेटर मिलता है। आप 9,000 रुपए तक जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 1,000 रुपए का जुगाड़ और जरूर से कर सकते हैं। तो Redmi 9 प्राइम आपको जरूर से लेना चाहिए। आप देख सकते हैं उसमें क्या कुछ बेटर मिलता है। मीडियाटेक का हेलियो G80 का प्रोसेसर मिलता है, तो 35 से काफी बेटर प्रोसेसर है। आप बड़े गेमिंग वगैरह करते हैं, पबजी जैसे गेम यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, तो 1,000 रुपए में HD से फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, वो ही बहुत है। बाकी परफॉर्मेंस बेटर मैंने बता दिया आपको। कैमरे भी बेटर मिलते हैं, पीछे 4 कैमरे, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और ये 18 वाट के फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करता है, हालांकि बॉक्स में नहीं मिलता, लेकिन आपके पास चार्जर पड़ा हो या फिर आप बाय करते हैं तो आप फोन को फास्ट चार्ज कर पाएंगे। टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। तो 1,000 रुपए में बहुत कुछ आपको ज्यादा बेटर मिलता है। अगर बात होती 2-3 हज़ार रुपए की तो अलग बात थी, लेकिन 1,000 रुपए तो मेरे हिसाब से आपको जरूर से लगाने ही चाहिए। बाकी Redmi 9 भी 9,000 रुपए प्राइस के हिसाब से फोन अच्छा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा देने पे आपको मिल जाता है Redmi 9 प्राइम, जो कि इससे बहुत ज्यादा बेटर है। तो Redmi 9 प्राइम ही आपको जरूर से लेना चाहिए। और बाकी अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते और आपका बजट बहुत कम है, तो 6,000 रुपए में जियोनी मैक्स ले लीजिए, जबरदस्त फोन है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों बस मेरा काम खत्म, आपका शुरू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।